भारतीय तिरंगा पीछे से आ रही है पूरी टीम लाइन थी। और अब 5 नंबर के खिलाड़ी जो है वो है कि कैसा कैसे चेहरे है, कैसे चमक आई हुई है चेहरों पे। तो मेरा मानना है कि इंडिया में और मैच शुरू पहली रेड करते हुए 5 नंबर की जर्सी में ईरान के खिलाड़ी, जिनको हमने सुबह बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देते हुए देखा। वापस से क्या इंडियन डिफेंस कुछ गलती करेगी पहली रेड में? नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। और टो टच की कोशिश की थी यहाँ पे, काफी स्कॉर्पियन किक भी अभी तक सचेतों की खेल रहे हैं। खास कर शुरू हुआ है दूसरी रेड, ओवरऑल मैच की चल रही है। पहली रेड पवन सहरावत भारतीय टीम की तरफ से हर मैच में एक पॉइंट लेके आए हैं। इस मैच में टैकल डैश तरीके से है। आप असल में नामदार को चलाओ, आप पवन को या अर्जुन देसवाल को, आप दूसरी ये 5 नंबर फिर आए ईरान की तरफ से, ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग से देखो और ये देखो क्या ब्लॉक किया सामने से आगे सुरजीत और परवेश की जोड़ी है, जो किसी स्केल से टच पॉइंट वगैरह ये आप किक का पॉइंट मान सकते हो, ये पॉइंट आने बाकी है क्योंकि अभी बोनस पे चल रही है इंडियन टीम। और डिफेंस कुछ हद तक कर रहा है और नितेश ने एडवांस टैकल किया भाई, आप मेरी नहीं सुनते हैं, लेकिन जो राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर की चुगल होती है प्रेशर से, जो ऐसे ही सिचुएशन में कल एक ऑल आउट दिया था पवन ने, क्या आज भी दे पाएंगे? अटैक करना चाहेंगे और ये दो की डिफेंस ऑल आउट हो गए। काफी शानदार 4 पॉइंट इंडियन टीम को मिलते हुए 10-4 से भारतीय टीम आगे। अभी 11वां मिनट चल रहा है, अब बोलिए जैसे कौन सा तो असल में नामदार चल रहे हैं, तो आप उनपे ही भरोसा करो। जब अगर उनका भी भरोसा नहीं होगा तो फिर अर्जुन देसवाल को भेजना चाहिए। हाफ में वापस 4 की डिफेंस में माफ करें, वापस से इंडिया इन्फ्लिक्ट कर सकती है। ऑल आउट नहीं, असलम को इस बार वापस से पहला एंकल होल्ड इनामदार का। और लेकिन अभी तक की जितनी रेड करी है असलम ने अच्छी करी है, स्किल के लिए नहीं तो बोनस करके लिए। अर्जुन इस रेड में या तो पॉइंट लाने वाले हैं या तो आउट होने वाले हैं, क्योंकि मेरे को उनके मूवमेंट से लग रहा है पहली बार तीसरी रेड है उनकी और कोशिश इस बार पूरी है कि पॉइंट लेके आए और सुपर रेड दो या तीन सुपर रेड, लेकिन पवन सहरावत को बच के रहना पड़ेगा। सुपर डुपर रेड असलम का स्ट्रेस नहीं होता, परवेश आगे आए थे, परवेश को टच करके तो अर्जुन वापस से 5 की डिफेंस में रेड, थोड़ी सी उसके चलते पिछले रेड के चलते कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके रेड में। इस बार खाली हाथ जाना चाहेंगे या अटैक करना चाहेंगे देखना है। लेफ्ट कॉर्नर पे बार बार और टच किया, दूसरी बार टच किया, एक बार फिर से निकाल लिए, दो रिमाइंड है कि डैश कर दिया गया। नहीं नहीं पहले ही कर लिए गए थे मेरे ख्याल से, हाथ पहले निकल चुका था। नंबर वापस से आए, बहुत रेड कर रहे हैं आज, 5 नंबर 12 नंबर ये दो खिलाड़ियों को रेडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों आउट हो रहे हैं तो एक साथ ही आउट हो रहे हैं, सामने से ब्लॉक आता हुआ खड़ी हो और किसका दूधी ले लिए 12 नंबर खिलाड़ी को हमारे सुरजीत भाई ने, क्योंकि नंबर 5 भी बाहर है, नंबर 12 भी बाहर हो गए और 7 नंबर वो नंबर 5 है तो शायद वो राइट कॉर्नर पे ये पकड़ने आए, ये भी बाहर, नंबर 5 भी बाहर। लीजिए पवन शेरावत कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगेन, छोड़ दिया बोनस ले लिया, अब डिमांड होगी आप अंदर आइए वरना अगले हाफ में तो आप आउट ही हैं। और ये पवन शेरावत थे वहां पे शायद 17 नंबर पवन शेरावत क्या टैकल में, पवन शेरावत ने टैकल, पवन ही पवन मिलेंगे और बची हुई है तो ये खत्म होने वाला है। हमने जैसी शुरुआत की थी वैसा ही अंत करना चाहिए रखा हुआ जी बिल्कुल, और यहाँ से लूज तो नहीं करना। और शादलू पहली बार कामयाब होते हुए पवन शेरावत के अगेंस्ट इस मैच, अर्जुन देसवाल के अगेंस्ट माफ करें, शादलू पहली बार कामयाब होते हुए इस मैच में बिल्कुल, कि इंडिया कुछ सीख के आएगी तो कुछ अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और वो शादलू निकल गए, शादलू आउट हो गए, लेकिन क्या एक एक पॉइंट मिल सकता है क्योंकि डिफेंडर भी कहीं ना नहीं, बोनस पॉइंट मिला और इसी डू और डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट कलेक्ट करना ज्यादा जरूरी होगा इंडियन टीम को। और एक पॉइंट मिल गया, निकल गए पॉइंट को, गलती है यहाँ पर, एडवांस टैकल आप असलम इनामदार को नहीं कर सकते जब आप खुद टीम के मेन रेडर हैं। ये बार खतरनाक है, कल इन्होंने सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी पहुंचाई थी, लंबाई बहुत अच्छी है, रीच बहुत अच्छी है और बोनस वोनस सब करते हैं और ये सुरजीत के सामने सब कुछ फीका है, सब फीका हो गया। मैं अपनी बात वापस लेता हूं, बिल्कुल मैं वापस लेना चाहूंगा। आप देख लो ये सुपर टैकल पवन का तो मुश्किल है लेकिन कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन यहाँ पर ये तीसरा और सुपर टैकल करने की कोशिश पवन चावला चंगुल में आ गए, कह नहीं सकते कुछ भी, मैंने बोला कि नहीं हो सकता लेकिन कह नहीं सकते कुछ भी, वही बात, छोटी छोटे सेकंड्स में पल पल में चीजें चेंज हो जाती है। और अभी हमने ठीक देख लिया, जहां एक तरफ पवन सहरावत अपने सुपर 10 की ओर कदम बढ़ाए थे और शानदार टैकल यहाँ पर और कॉम्बिनेशन टैकल यहाँ पर भारतीय टीम ने कर दिया है। आपने बोला था नितिन रावल ने कुछ नहीं किया, नितिन रावल का ये करके, लेकिन बार बार गलती नहीं होनी चाहिए ना, कप्तान गलती नहीं करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे एक बार बाहर एस्केप कर चुके हैं,
इस बार डुबकी वुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और के साथ सुपर 10 भी हो गया है, 11 पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं। तीसरी फुटबॉल में भी ऐसा देख चुके हैं। मोहित को लाया गया है, मोहित गोयत टीम में शामिल कर लिए गए हैं, किसकी जगह शामिल। और यहाँ पर एक कैजुअल पॉइंट दे दिया है, नहीं देख पाएंगे। पांच का डिफेंस सबसे सॉलिड डिफेंस कहा जाता है, 8 नंबर की जर्सी में मोहम्मद रजा शादुलू, क्या कर पाएंगे नितेश या नितिन, किसकी बारी होगी। और तो दोस्तों आप देखना कि आप क्या मोमेंटम होगा इंडिया की टीम का। बिल्कुल, और एटलीस्ट बोनस पे बोनस निकाल रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। और ये नहीं कर, ये ऑल आउट हो गए, ऑल आउट कर दिया, 5 पॉइंट लेके चले गए हैं। शादलू ने किया और ये काम, मोहम्मद रेजा शादलू जो ऐसा टच कर लिया, एक मिस्टेक थी। अब ये क्या पता इनका कॉन्फिडेंस अप हो जाए। देखो हो गया, ये टैकल भी होगा। हो गया, मैं यही बात बोला था कि आप बीच में ठंडा ना हो, आप पे भारी पड़ सकता है ईरान। असलम इनामदार, थोड़ा गेम को स्लो करना चाहिए यहाँ इंडिया को, अभी भी 10 पॉइंट की लीड है, तो 10 पॉइंट की लीड गेम स्लो करें। और अब उनका कॉन्फिडेंस, एडवांस टैकल, कितना एडवांस टैकल असलम इनामदार को, और शादलू के भाई ने किया है ये, बिल्कुल कितना एडवांस टैकल किया है, उनको अटैक करना है। एक बार फिर से 5 का डिफेंस सॉलिड डिफेंस अंदर आए, ये गलती करें ना, ये गलती करेंगे बिल्कुल। हमने भी गए थे मोहित को, और इकलौते यहाँ पर रेडर मोहित, जो मेन रेडर है वो मोहित ही थे, और मोहित को डिफेंड करना यहाँ पर टैकल करना गलती साबित हुई। ये इसमें पॉइंट लाना है, इसमें पॉइंट लाना पड़ेगा पवन शरावत को, कोशिश कर रहे हैं 4 नंबर के ऊपर से जंप लगाने की कोशिश की थी। सोलो टैकल कॉम्बिनेशन में चेंज हुआ और अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आया 4 नंबर की खिलाड़ी ने, पवन शरावत एक्सपीरियंस से कर रहा था। लेकिन अर्जुन देसवाल को सब्स्टिट्यूट करना नहीं चाहिए था, और थर्ड रेड है ईरान की भी, बिल्कुल ये डू और डाई रेड है, अब देखना पड़ेगा शादलू का। यही करना है कि गेम आप स्लो करें, सामने वाली टीम से गलती करवाएं। ये हुआ पिछली रेड में भी, जब सामने वाली टीम से गलती कराए, उनसे बोनस चुरा के भाग आए, यहाँ पे शादलू से गलती करवाई। जी रहा है आप लोगों से जुड़ के, और ये मैच आ गया दोबारा, 4.5 मिनट का समय है अभी, लेकिन फिर वही गलती, फिर वही गलती सुरजीत के चलते, फिर वही गलती, लेकिन हो भी सकता है 3.5 मिनट 20 सेकंड बाकी है, अभी तो आएगी 6-7 रेड होगी, क्योंकि मोहित भाई सामने वाली टीम को ही पता है यहाँ पर एक्स्ट्रा। अर्जुन देसवाल का टैकल और शादलू ने किया है, उसके भाई ने किया, आई थिंक शादलू ने किया है, अगर ये यहाँ पर कोई गलती नहीं करे तो फिर यहाँ पर एक टैकल और जीत इंडिया के हाथ में हो जाएगी। हाँ जी, बस एडवांस टैकल के लिए ना जाना चाहिए, और एक दो तीन पड़ेगा, और ये राइडर सेफ हो गया, राइडर सेफ हो गया, वो नितेश आउट हो चुके हैं शायद, पहले ये देखना होगा, ये नितेश ने ही टैकल किया था, तो वो रेफरी का डिसीजन देखना होगा क्या। रेफरी ने ईरान को पॉइंट दे दिया है, वो आउट हो गया है। उन मेरे को ये लगा जब रेफरी ने उसका एंकल होल्ड किया, मगर यार ये चौथा प्लेयर कहां से आ गया, मगर ये कहां से उसका एंकल होल्ड करने के आ गया, वो आउट हो गए थे। क्या ऐसा ऑफिशियल कर सकते हैं मोहित भाई कि आप पैंतीस तो आप बाहर उनको उनको हटा, मतलब उनको बोल देना चाहिए वो आउट हो गया, वो हाथ फाइनली जीत गई, लेकिन ये शादलू की गलती थी, 6 पॉइंट की लीड थी, अगर ये हो जाते तो 3 पॉइंट और 3 पॉइंट की लीड और 3 पॉइंट की लीड बचती। यहाँ पे पवन शरावत दिमाग लगा के 11 सेकंड बचे हैं क्लॉक पे, खाली करना चाहेंगे भी हो जाएंगे तो भी 1 पॉइंट अभी खाली करना चाहेंगे, और ये आके मोहम्मद रेजा जो है, मोहम्मद रेजा शादलू के भाई, आके सीधे गले मिलते हुए पवन शरावत के, मैच खत्म, और भारत हो गई है चैंपियन, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की।